ट्रैफिक ना के बराबर देखने को मिलेंगे। ये जो रूट है ये काना पेंडारी वाली रूट, ये कौन से एरिया में आ गए भाई साहब? गनियारी को तो मैं छोटा होगा सोच रहा था, ये तो काफ़ी बड़ा एरिया में मार्केट है। कोटा है भाई साहब, देख लीजिए कहाँ आ गए हम लोग। ये घाटी है कि क्या है भाई, काफ़ी मोड़ है। कहाँ से निकले थे, कहाँ पहुँच रहे हैं साहब? सही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स रोड पे, फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस तो अभी मैं चेकआउट करने के बाद में अपन ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर अपन निकल जाएंगे अमरकंटक के लिए और बहुत ही रोमांचक बाइक राइडिंग रहेगा। दो रोड है, एक तो रतनपुर वाली रोड है और एक है अचानक मार्ग। तो हमारे दमान जी और द्विवेदी भाई दोनों का कंफ्यूजन है कि कहाँ से चलना है। ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कहाँ से चलना है। बाकी ये रूम देखिए, ये हमारा बैग पैक हो चाहिए, इस तरह से पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। एसी चालू है भाई, मस्त ठंडी ठंडी हवा आती है, एकदम सुकून मिलता है। निकलते हैं गाइस, पैकिंग हो चुका है ऑलरेडी हमारा कंप्लीट। हमारा होटल जिसे हम अलविदा कह रहे हैं, अच्छा है, साफ सुथरा होटल है पूरा। तो कभी भी आप आते हो तो थोड़ा सा महंगा है बट साफ सुथरा है। चलो जाए, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे देन उसके बाद फिर निकलेंगे। सामने में ही है रेलवे स्टेशन बिलासपुर का, लॉज भी है, लॉज में भी आपको 400-500, लेकिन वही है ना, वो उतने अच्छे से साफ सुथरा नहीं मिलने वाला आपको। काफ़ी कुछ दुकानें मिल जाएंगे, बिरयानी थाली, जिस दिन मैं आया था उस दिन मैं खाया हुआ था, पूरी सब्जी खाया था मैं, एवरेज था। फिर सुलभ शौचालय भी दे दिया, चलो अच्छी बात। कहाँ पे अपन खाना पीना कर सकते हैं, इटली यहाँ पे है, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे इटली उटली खा लेते हैं। अब ये चौक है एक प्यारा सा, देखो मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मैं बिलासपुर घुमा नहीं हूँ कि साइड से जाना है और मैंने मैप भी ऑन नहीं किया है। अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे हमारे दमाद द्विवेदी भाई है वहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि उन लोग भी वहीं पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या था कि मैं जहाँ रूम ले लिया था ना वो पहले आके ले लिया था, उन लोग बाद में आए, मतलब कि दोपहर को आए। तो तब तक जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो रूम फुल हो चुका था, रेट भी ज़्यादा थे करके मैं उन लोगों को बोला कि आसपास में कहीं देख लो, अगर सस्ते में मिलता है तो, नहीं तो फिर अपन इसी में बातचीत करके होटल वाले से सब इसी में एक साथ आराम करेंगे करके। उन लोगों को भी मिल गया होटल पुराना बस स्टैंड के पास में, सामने में है गुरुद्वारा। देखते हैं कौन सा रूट से जाते हैं अपन अमर बिलासपुर। तो सामने से भी चाहता तो मैं इस साइड से भी आ सकता था, गांधी चौक के आसपास से। अभी सीधा सीधा चल रहा हूँ, सवेरे से ट्रैफिक मिल रहे हैं हमें। बिलासपुर पार हो जाएंगे ना, ट्रैफिक थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, फिर ट्रैफिक ना के बराबर देखने को मिलेंगे। ये जो रूट है ये काना पेंडारी वाली रूट है, बिलासपुर से आना जाना करोगे काना पेंडारी वाली रोड पे आना पड़ेगा, उसके बाद देन आप निकल पाओगे अमरकंटक के लिए। अभी मैप लगाया हुआ है तो मैप के थ्रू जा रहे हैं। और ये चौक है ट्रैफिक बिलासपुर का कार बाइक स्कूटी साइकिल, छोटी छोटी सड़कें ना यहाँ पे, इसलिए इस तरह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। सड़कें देखिए आप, हमारे दमान जी आगे बढ़ चुके हैं, वो जा रहे हैं सामने में। यहाँ पे लिखा हुआ है रंगना महारानी दुर्गावती, ऐसा रोड किनारे में काफ़ी कुछ दुकानें लगे हुए हैं। देखो हमारे दमान जी मस्त ले रहे हैं वीडियो। ट्रैफिक इतना है ना कि एक तो गर्मी है, एक तो ट्रैफिक, पूरा परेशान हो गया हूँ मैं बिलासपुर में। मैं रायपुर को बोलता था, रायपुर से भी बढ़कर है बिलासपुर। पेट्रोल डला लेते हैं भाई साहब, कहाँ पे खाली है। यहाँ भी लगा सकते हैं, सही है बाबा, हो गया पेट्रोल फिलअप, आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवे मिलेगा आगे, दमान जी वेट कर रहे थे, हम पेट्रोल डला रहे थे। तो क्या हरे भरे पेड़ पौधे, अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी आगे आगे देखिए और भी खूबसूरत से दृश्य देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में। गौ माता, ये कौन से एरिया में आ गए भाई साहब, पता नहीं चल पा रहा है। मार्केट ही मार्केट है इस साइड भी, गाय दोनों लड़ रहे हैं भाई इनका कोई भरोसा नहीं होता। और ये हमारे मजदूर भाई, रतनपुर 27 किलोमीटर है, कोरबा 114 किलोमीटर, तो यहीं से रूट चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे लिखा है रतनपुर, यहीं पे चलना है। चलो भाई साहब, रतनपुर है 40 किलोमीटर, कोटा 22 किलोमीटर,
लोरमी 56 किलोमीटर, यहाँ से बिलासपुर रिटर्न है 9 किलोमीटर। चलो शुक्र है कि यहाँ की जो रोड चौड़ी चौड़ी है, हाइड साइड में हरे भरे पेड़ पौधे, इस साइड में भाई जो हवा है ना हमसे टकरा रही तो काफी अच्छा लग रहा है। और बिलासपुर सिटी के अंदर में ना हवा जो टकरा रही है ये हवा हमें मिल ही नहीं रही थी, बहुत ज्यादा उमस कर रहा था, ना जाने क्यों वहाँ पे ऐसा है, जबकि पेड़ पौधे भी काफी अच्छे हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ जो सुकून मिल रहा है ना भाई वो सिटी के अंदर नहीं मिल रहा था। यहाँ पे है पुलिस बल, राइट साइड में देख रहे हैं खेत खलियान, काफी शानदार सा रोड बना हुआ है। ऐसी रोड मिले ना तो भाई बाइक राइडिंग में चांद चांद लग जाते हैं। यह गनियारी रतनपुर 32 किलोमीटर है, तो प्यारा सा गांव है गनियारी, बहुत सारे गांव आपको देखने को मिलेंगे बाइक राइड के थ्रू। ये है कि यहाँ पे पेट्रोल पंप खुला हुआ है इंडिया ऑयल, नया खुला है कि पुराना है कमेंट करके बताइएगा। गनियारी को तो मैं छोटा होगा सोच रहा था, लेते काफ़ी बड़ा एरिया में मार्केट है भाई, हर एक सामान अवेलेबल है गनियारी में। देख रहे पूरे लाइन से लगे हुए दुकानें। छोटा 9 किलोमीटर बचा हुआ है, टेढ़े मेढ़े रोड भाई, कभी ऐसा तो कभी ऐसा, मस्त मज़ा आ रहा बाइक राइडिंग में। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इससे धूप है लेकिन हवा जो चल रही है ना उस वजह से अपने को उतना गर्मी महसूस नहीं हो रहा है। इस जगह का नाम है कोटा, देखते हैं कितना बड़ा शहर है। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हम कोटा में, अरे बाप इतना बड़ा दुकान। कोटा में भी बजाज के शॉप है, काफ़ी बड़े बड़े शॉप है। ये पेट्रोल पंप 19 किलोमीटर है जहाँ से हमें राइट लेना पड़ेगा। लोरमी है 34 किलोमीटर, बिलासपुर से 31 किलोमीटर हम आ चुके हैं। ये रतनपुर वाली जो रोड है ना 19 किलोमीटर वो वाली रूट पकड़े हैं, यहाँ से देखते हैं कितना किलोमीटर है। और ये कोटा है भाई साहब, देख लीजिए कोटा का माहौल काफ़ी सुंदर सा दिख रहा है। कपड़े लगते के शॉप पूरे साइड में देखने का मौका मिल पा रहा है। राइड करते करते कोटा शहर को बड़े से बिल्डिंग बने हुए सामने में, भाई लोग सीमेंट उतार रहे हैं, कितना मेहनत करते हैं इन लोग, इस चीज़ को मैं जानता हूँ क्योंकि मैं सीमेंट फैक्ट्री पे काम कर चुका हूँ ना इसलिए। और एक तो होता है क्या है कि जो डस्ट है ना पूरे फेफड़े में जाता है और पूरा फेफड़ा छेद कर देता है। देख रहे कितने बड़े बड़े गाड़ियाँ चल रही हैं, अरे दादा रे साइकिल खड़ी नहीं तो निकाल लेता। गर्मी लग रहा है अब इस साइड बहुत, काफ़ी तेज़ धूप है। देख इतनी तेज़ धूप में बेचारे लोग स्थानीय लोग हैं जो सब्जी बेच रहे हैं। अरे तेरी की गाय, अच्छा लगा मुझे ये कोटा शहर, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ भी जो बड़े बड़े सिटियों में हुआ करते हैं। सामने देखते हैं क्या चीज़ है भाई सामने में, यहाँ पे होटल है खाने पीने से रिलेटेड, रेलवे स्टेशन है लग रहा है। कारीगारी रोड, कहाँ आ गए हम लोग, ट्रक वाले भाई, रेलवे स्टेशन है कोटा का, काफ़ी सुंदर से नज़ारे हैं। मैप के थ्रू जा रहे हैं ना तो थोड़ा बहुत भटकना तो पड़ता ही है, क्या ही कर सकते हैं भाई। ये अच्छी बात है कि अपन सिटी देख लिए कोटा, लेकिन काफ़ी सुंदर से दिख रहा, देख रहे हैं पहाड़, पहाड़ को चीड़ के बनाया हुआ ट्रेन रूट, तो इस तरह से कहाँ कोई दिखाता होगा भाई जो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इधर से अंदर ही अंदर अपन जा रहे हैं, जहाँ से चौक था वहाँ से भी अपन राइट ले सकते थे, लेकिन हमें क्या है ना कि रतनपुर वाले जो रोड है ना और जो घाटी है वो देखना है, क्योंकि मैं घाटी का अलग से व्लॉग बनाना चाहता हूँ। बहुत प्यारा सा घाटी है जिसका नाम मैंने बहुत बार सुना है लेकिन कभी जा नहीं पाया था मैं। आवासन की दुकान, चलो इधर ही मोड़ते हैं, काफ़ी डस्ट उड़ा रहा है। CSR महाविद्यालय, देख रहे अनाज लेके जा रहे हैं ट्रक में, पूरे लदे हुए हैं। फाइनली अच्छी रोड मिल चुकी है हमें, मैप के थ्रू हम लोग जा रहे हैं तो थोड़ा सा भटक गए थे, बट होता है
अब पहली बार में तो सबको दिक्कत परेशानी होती है, जो हमें हो रही है। शायद आप लोग बेहतर जानते होंगे, जो यहाँ से आना जाना कर चुके हैं उन लोगों को पता होगा कि शॉर्टकट कौन सा करके। कमेंट में बताइएगा, कभी फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो कम से कम वाली रूट इस्तेमाल करेंगे अपन। हरे भरे पेड़ पौधे ही देखने को मिल रहे हैं, राइड को एकदम खूबसूरत बना दे रहा है। होटल जैसा कुछ बना हुआ है खाने पीने के लिए। लोकेशन जो है बहुत तगड़ा है भाई, एकदम खूबसूरत सा कैंपिंग करने लायक जगह है। लेकिन वही है ना, अपने पास में कोई साधन ही नहीं है कैंपिंग करने का। बेलगाना करके लिखा हुआ था, ये घाटी है कि क्या है भाई, काफ़ी मोड़ है, समझ नहीं आ रहा है। अब जो सड़कें हैं ना वो पतली हो चुकी हैं और मोड़ आ गया है। अरे अंदर में गाँव, क्या बात है, छोटा सा गांव है। अभी मैं कुछ ही दिन पहले गया हुआ था भोरम देव, तो वहाँ का वीडियो डाला था। वो भी काफ़ी खूबसूरत सा जगह है, उनमें से एक ये भी है बाइक राइडिंग के लिए। आपको यहाँ पे बाइक ही ज़्यादा देखने को मिलेंगी इस रोड में। जंगल झाड़ी एरिया भाई ये पूरा। अचानक मार्ग से भी अपन जा सकते थे, वो भी जंगलों से घिरा हुआ है और वहाँ पे टाइगर वगैरह भी हैं, तो वहाँ तो शाम को जाने ही नहीं देते हैं आपको। कार वाले लोगों को एक बार चांसेस बन जाता है क्योंकि उनमें सेफ रहते हैं, फिर भी मेरे ख्याल से नहीं जाने देते होंगे। दिन में आने और जाने के लिए दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे शेर बहुत सारे जानवर हैं और कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जगह जगह पे अंदर में चेक पोस्ट जो एंट्री कराना होता है कि हाँ ये बंदा यहाँ से निकला है तो ये आगे चेक पोस्ट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अभी गाँव है छोटा सा भाई, मस्त स्कूटी चलाते हुए। बस्तर भी जाना है, पानी गिर नहीं रहा है, पानी का मैं वेट कर रहा हूँ। रोपवा लगा रहे हैं, देखो सब भिड़े हुए हैं। सीधा नहीं जाना है अपने को, माज गांव करके लिखा हुआ है। ए गुड़िया लंग, क्या दृश्य है भाई, काफ़ी खूबसूरत सा छोटा सा मंदिर है ये है। नहीं है, अच्छा ट्रेन रूट है इस साइड में, क्या बात है। ये हमें पार करके ही जाना होगा लग रहा है, ये मस्त बना दिया है। वाह सही है भाई, यहाँ से घूम के पटरी पार करके इधर से हम लोग जा रहे हैं। पूछ लेते हैं कौत किसी और, अंकल जी से पूछे तो एक अंकल बोलता है पीछे तरफ से जाओ 15 किलोमीटर शॉर्टकट पड़ेगा, और एक अंकल बोलता है वो सुनसान सा है और वहाँ पे बहुत कम लोग आना जाना करते हैं, यही वाली रोड पे जाओ ये चालू है और इसमें आपको घाटे भी मिलेगा करके। तो दोनों आपस में ही बहस करना चालू कर दिए, क्या बोले भाई साहब। अच्छा लगा बताए हम लोगों को, ये गाँव है, कपड़े के शॉप लगे हुए हैं, मार्केट है ये पूरा। किधर जाएगा,
मेन मार्केट तो आगे साइड में है भाई साहब, ये बिलासपुर के लिए जाती है। भटक भटक के जाते हैं हम, क्या बोले, कहाँ से निकले थे कहाँ पहुँच रहे हैं। देखा मैप के थ्रू आओ और जाओ तो यही होता है। मैप क्या करता है ना कि हर रास्ते को दिखाता है, मान के चलो जो रास्ते अगर अपन गलत चॉइस कर रहे हैं तो वहाँ से दिखा देगा कि हाँ आप आगे से जो मोड़ है वहाँ से भी आप जा सकते हो। अच्छी रोड बोल के छोटा नाले में कुदा दिया और भर भर के लोग आ रहे, क्योंकि रोड तो है ही नहीं, जगह जगह पे पूरे गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। गूगल मैप तो छोड़ दिए हैं, गांव वाले से पूछ पूछ के आगे बढ़ रहे हैं हम लोग को ना अचानक मार्क वाला रोड पकड़ लेना था, हम लोग गलती कर दिए, बट क्या करें, अब जो होता है समझ लो अच्छे के लिए ही होता है। चलो ना चलो। पता नहीं कौन कौन से गांव देहात में घुस गए हैं, पूछ पूछ के जा रहे हैं। अभी हमने एक भैया से पूछे तो बतलाया कि ये वाली रोड जाती है करके, या अंकल से पूछता हूँ, अंकल ये अमरकंटक वाली रोड, अमरकंटक सो वाली है, अब पहुँचेंगे। गलत रोड हम लोग पकड़ लिए हैं भाई, आप लोग कमेंट मत करिएगा भाई, क्या राहुल भाई कहाँ से चले गए आप करके। देखो भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होता ना वो जीवन भर याद रहता है, इसके बाद तो आप लोग बता ही दोगे कि कहाँ से हमें जाना चाहिए था कहाँ से नहीं जाना चाहिए था। यहाँ से हम लोग रोड जा रहे हैं, राइट ले रहे हैं, ये है यहाँ क्या बायोडाटा, स्टूडेंट लोन क्या तोड़ रहे हैं भाई। अच्छा बी क्या है, आइसक्रीम खा रहे हैं। क्या नज़ारे हैं भाई, पहाड़ देखिए इतना खूबसूरत से दिख रहे हैं, हरे भरे खेत खलियान। इस गांव का नाम है बिटकुली, देखो कहां कहां से भाई हम अमरकंटक के लिए जा रहे हैं, जो रूट इस्तेमाल किए हैं कोटा ज़िले में आता है ये। इतने खूबसूरत से दृश्य है सामने में, कोई बात नहीं भले लेट पहुँचे लेकिन अच्छे से पहुँचेंगे। फोटो बता रहा हमारा कंटकी वाला है, हरी माता मंदिर मार्ग पहुँच करके लिखा हुआ है, क्या ही कर सकते हैं, जैसे तैसे बस अमरकंटक पहुंच जाए हम। तो देख लो भाई मैप के थ्रू आ रहे हो ना तो ये सब दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगा हाईवे में रहना, हाईवे में रह कर ही आप लोग मैप का सहारा लेना, एकदम फास्ट। शहडोल है 127 किलोमीटर, अमरकंटक 52 किलोमीटर। चलो बोर्ड तो नज़र आया अमरकंटक का, काफ़ी सुंदर सा एरिया है, अलग ही हम लोग जा रहे हैं लेकिन। मज़ा आ रहा है लेकिन क्या ही बताएं, तकलीफ भी हो रही मज़ा भी आ रहा है। जगह का नाम है कोंगसरा, रेलवे कॉलोनी है, रेलवे वाले लोग अच्छा काम करते हैं, यानी सबको कॉलोनी दिया हुआ रहने के लिए। यहाँ पे है शिव हनुमान मंदिर कोंगसरा। जैसे जैसे सामने बढ़ते जा रहे हैं पहाड़ हमसे दूर होते जा रहे हैं, और ये जो मूवमेंट होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरा जंगलों से घिरा हुआ है भाई साहब, आसपास में देख ही रहे हैं काफ़ी घने घने जंगल है। और हमने वहाँ पे एक समोसा खाया था तो भैया बतला रहे थे 1 किलोमीटर का थोड़ा सा घाटी मिलेगा, जो मेन जो घाटी जो रतनपुर तरफ से जाते हैं वो जो घाटी है 14 से 13 किलोमीटर का है, वो घाटी हमने मिस कर दिया है। तो अपन आते समय देखेंगे इस घाटी को, 1 किलोमीटर का जो घाटी मैं आप लोगों को बतला रहा था वो यही है, हल्का फुल्का दिखला देता हूँ आप लोगों को। बाकी यहाँ पर ट्रेन रूट है, देखिए उमस बहुत कर रहा भाई, क्या ही बताएं भाई, बरसात तो हो ही नहीं रहा है। इधरी कती ढान जाना है, ये ढान जाना है कौन ढान जाना है भाई, अमरकंटक सीधा है साहब, सही है, काफी सुंदर सा दिख रही है दृश्य। Thank you.
पिकनिक मनाने के लिए लोग आते हैं लगते इधर। मंदिर जाने का रास्ता है, अरे माता जाने का मार्ग मस्त दिख रहा भाई इस साइड तो। अब यहाँ से लगता है घाट समाप्त हो चुका है, देखते हैं किधर से जाने का है। तो हम लोग यहाँ से आए हैं, अब यहाँ से केवची होते हुए निकलेंगे। अगर हम लोग रतनपुर होते हुए भी आते ना, जिस रोड को भी हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस रोड को छोड़ कर, तो यहाँ से जा सकते थे। ये पक्की सड़कें हैं, वीडियो तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग कहाँ कहाँ भटक भटक के गए हैं। केवची 6 किलोमीटर, सर्वोदय विश्राम गृह, रतनपुर, अमरकंटक, जबलपुर, बिलासपुर। भाई अमरकंटक का सिंबल देख के लग रहा है कि हम लोग सही शॉर्ट रास्ते पे हैं। नहीं तो भाई 4 बजने को है, अभी तक हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं अमरकंटक। वैसे हम लोग काफ़ी जगह रुक रुक के सेल्फी वीडियो शूट किए हैं, 2-3 टेंपल का, वो जल्द ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ का जो वेदर है ना भाई, बहुत अच्छा वेदर है, ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश हो जाएगी। हरे भरे पेड़ पौधे, जंगल, झाड़ी, यही देखने को मिलेगा आपको। अब ये कहाँ लेके जाती है, नो आइडिया। अमरकंटक वाली रोड पे एक चीज़ है, यहाँ पे आपको डस्ट बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे, प्राकृतिक से जुड़ने का एक मौका मिलता है। अब ये कौन सी जगह है, जलेश्वर धाम, अचानक मार्ग, जलेश्वर, अनपुर, शहडोल, जबलपुर, अमरकंटक, यहाँ से 23 किलोमीटर है। पे कुछ खाने वाले हैं हम लोग ये होटल पे, सही बना हुआ है यहाँ का रेस्टोरेंट शीतला सदन, बैठते हैं। कहाँ बैठेगी तरु? आप जाते हो तो आपको मुंगेली साइड एरिया मिलेगा, अचानक मार्ग है, यहाँ से आते तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे ढाबे वाबे हैं, खाने पीने से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे, थाली, ब्रेकफास्ट के लिए। और ये है अमरकंटक 23 किलोमीटर, संजीवनी। अचानक मार्ग से इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे घाटी का व्लॉग बनाना था रतनपुर वाला, लेकिन वो भी मिस कर गया मैं, उसको भी नहीं बना पाया। पहाड़ कितना खूबसूरत सा दिख रहा है ना, ये पूरे जंगलों से घिरे हुए हैं भाई हम लोग, सतपुड़ा के घने घने जंगल। यहाँ से घाटी फिर से स्टार्ट हो गई है, कहीं पे घाटी आती है तो कहीं पे नॉर्मल रोड रहता है। अब फिर हम लोग फिर से पहाड़ चढ़ाई कर रहे हैं, इसका मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगा आते समय। कबीर चबूतरा, हाँ इधर जाना पड़ेगा कबीर चबूतरा देखने के लिए, मतलब कि एमपी चालू है, ये बॉर्डर है मध्य प्रदेश और एमपी का बॉर्डर। अमरकंटक 7 किलोमीटर, यहाँ से हमें राइड लेना है। यहाँ भी चाय नाश्ता का सेंटर है, नर्मदा कुंड सब आ गई है, क्रिकेट हाउस, नर्मदा कुंड, कपिलधारा, इधरी छह भाई, संत कबीर सरोवर। वहाँ पे बस स्टैंड सामने है, पार्किंग स्थल, नर्मदा कुंड, गुम्मा घाटी, अनूपपुर जिले में आता है अमरकंटक। ये सारे होटल वगैरह हैं, रूम कहाँ मिल सकता है हमें, जलेश्वर धाम, सोनमोड़ी, नर्मदा माता मंदिर, इधरी कहीं देखते हैं कहाँ पे रूम मिल सकता है। होटल की तलाश में हम निकले हुए हैं, देखते हैं कहाँ हमें होटल मिल सकता है।
गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा में भी रुक सकते हो, बड़ा सा हॉल देते हैं, सोने के लिए चटाई कंबल ये सब दे देते हैं। कल्याण सेवा आश्रम बहुत खूबसूरत से बना हुआ है, काफ़ी सारे रूम हैं, अभी नया नया बना लग रहा है ये। देखते हैं रूम कैसा है, फिर आप लोगों को बतलाते हैं यहाँ का प्राइस। अच्छा क्लीन है रूम, तो बाथरूम देखते रहो, ठीक है बाथरूम सही है ना। ठीक तो है।